आपके अपने YouTube चैनल मैथ एफ टी में आप तमाम लोगों का स्वागत है। इससे पहले हमने क्यूब निकालने का 2 डिजिट नंबर का ट्रिक बताया था, जो शायद आपको मिला हो, देखे हो या नहीं देखे हो हमें नहीं पता। आज फिर एक अद्भुत ट्रिक लेके आते हैं। एक मेथड तो पहले मैं बताया, अभी 2 मेथड से बताने जा रहा हूँ 2 डिजिट का क्यूब कैसे निकालेंगे। 2 डिजिट के कम्बिनेशन से जो बना हुआ नंबर है उनका क्यूब कैसे निकालेंगे, इससे पहले एक बता चुका हूँ, आज 2 मेथड से बताऊँगा। अगर ये आपको पसंद आ जाता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें कि 3 डिजिट और 4 डिजिट के कम्बिनेशन से जो बना हुआ नंबर है उनका क्यूब कैसे निकालेंगे 2 से 4 सेकंड के अंदर में। वरना मल्टीप्लाई करके गुना करके तो कोई भी आदमी निकाल सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जो मल्टीप्लाई करने या गुना करने बैठेंगे तो एग्जामिनेशन ऑफ हो जाएगा, लेकिन गुना ऑफ नहीं होगा। इसलिए आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है 19 का क्यूब। अगर आपको पसंद आ जाता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए 2 डिजिट के कम्बिनेशन के बाद 3 डिजिट और 4 डिजिट के कम्बिनेशन से जो नंबर बनता है उनका क्यूब निकालने का टेक्निक बताएंगे। ये मेथड नंबर फर्स्ट देखिए, ये पहला मेथड देखिए कैसे निकालते हैं 19 का क्यूब। इससे पहले एक मेथड डाला हूँ वो भी देख लेंगे वीडियो नंबर 1 में, ठीक। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए वहाँ आपको मिल जाएगा क्यूब ऑफ 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, ऐसा प्लेलिस्ट में नोमन क्लियर कर दिया गया है ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी 2 डिजिट का देखिए, इनका यूनिट डिजिट 9 है और दहाई अंक यानी 10 प्लेसिंग, जो 10 प्लेस का जो नंबर है वो 1 है। क्या करना है, इन पर क्यू दिया हुआ है तो इन 1 का क्यू करेंगे, क्यू दिया हुआ है इसलिए 1 का क्यू करेंगे तो 1, 2, 4 डैश खींचेंगे, 4 लकीर खींचेंगे, ऐसा ही समझिए आप, 4 डैश खींचेंगे। तो पहला जो दहाई का अंक है उनका क्यूब कर देंगे, तो 1 का क्यूब किया तो 1 होगा, और इकाई का जो आएगा उनको चौथा बॉक्स पे डालेंगे। 9 का क्यू करेंगे तो 9 का क्यू करेंगे तो ये होगा 9 × 9 × 9, एक एक स्टेप बताते हैं, 9 × 81 और 81 × 9 8 × 72 ये हो जाएगा 729, ठीक। ये इकाई अंक हमने क्यूब किया और दहाई अंक हमने इकाई अंक हमने क्यूब किया तो ये हो गया 729। अब 2 बॉक्स बचा हुआ है, 2 बॉक्स में क्या करेंगे, उनके लिए फॉर्मूला है कि 1 का स्क्वायर और इससे मल्टीप्लाई, और क्यूब है इसलिए इनसे भी मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27। ये पहले वाले बॉक्स में 27 लिखे हैं, ठीक, पहले वाले बॉक्स में आप ये 27 लिखें। उसी तरीके का फॉर्मूला दूसरे में इकाई के लिए करेंगे, ये करेंगे 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये 1 और फिर क्यूब है तो इनको करेंगे तो ये हो जाएगा 81, और 81 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 84, 81 को 3 से मल्टीप्लाई 3 8 3 24 ये हो जाएगा आपको 243। बाकी कुछ नहीं करना है, इनको प्लस कर देना है। इनका हमेशा यूनिट डिजिट आपको ही उतारना है, इनका हमेशा यूनिट डिजिट उतारना है, यानी 9 as it is उतार लिया 9, ये कितना बच गया 72, ये 72 इनके यूनिट डिजिट में जुटेगा, तो 72 × 3 कितना होगा 75, 75 × 5 होगा, हाथ में कितना रहेगा आपको 7, उस 7 में 24 को जोड़ेंगे तो 24 × 7 कितना होगा 31, ये 31 इस 7 में जाके जुटेगा तो 31 × 7 कितना होगा 38, 38 × 8 हाथ में रहेगा 3, और 3 में 2 जोड़ेंगे ये बचा हुआ 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, यानी कि 68, 6859 इनका क्यूब होगा 19 का। दुनिया के जिस कैलकुलेटर में मिलाना है जाके आप मिला सकते हैं, ठीक। ये सवाल पहला ट्रिक था, ये पहला फॉर्मूला था, ये पहला कंसेप्ट था, आगे का दूसरा कंसेप्ट भी आप देखिए, ठीक। 19 का क्यूब करेंगे तो यानी 6859 ही आपको आएगा, जहाँ भी मिलाना है कुछ नहीं। दहाई का क्यूब, इकाई का क्यूब, पहले दहाई का स्क्वायर उसको इकाई से मल्टीप्लाई और फिर उनके क्यूब से मल्टीप्लाई तो ये हो गया 27। अब इसमें आइए इकाई का स्क्वायर 9 × 81, 81 को दहाई 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 81, उनको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 243। इनका खाली यूनिट डिजिट उतारना है, बाकी का जो दहाई और सैकड़ा वाला अंक है वो दूसरे के यूनिट डिजिट में जुटेगा, ठीक। इनका मेथड नंबर 2 देखिए, इसका मेथड नंबर आप 2 देखिए, इसी 19 का क्यूब निकालना है। सेकंड मेथड हमने लिख दिया, यानी मेथड नंबर 2 क्या करना है वो देखिए। इनका दहाई अंक 1 है और इकाई अंक यूनिट डिजिट 9 है, पहले दहाई अंक से शुरू करेंगे तो पहले इनका क्यूब करेंगे,
एक का क्यूब डैश दे, अगर न भी डैश देंगे तो कोई बात नहीं है, एक का स्क्वायर डैश एक, यानी पावर उन पे तीन है, क्यूब है, तो तीन स्टेप में दहा एम को लिखा, एक का क्यूब, एक का स्क्वायर और एक, ठीक, इनका काम खत्म हो गया। अब इकाई अंक पे आए, नाइन पे आए, इनके एक अंक के बाद छोड़ के यहाँ से शुरू करें, ये इकाई अंक राइट से चलेगा तो यहाँ नाइन का क्यूब और इनको नाइन के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इनको नाइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टेक्निक समझ लीजिए, वन है तो वन का क्यूब, वन का स्क्वायर और वन, इस वन का काम खत्म हो गया, दहाई के प्लेसिंग में है। अब इकाई यूनिट डिजिट नाइन है तो नाइन का क्यूब करेंगे, इसलिए वन का क्यूब किया तो उसको राइट से आएंगे, इकाई यूनिट है तो राइट से, दहाई यूनिट है तो लेफ्ट से, तो नाइन का क्यूब किया, नाइन का स्क्वायर किया, नाइन किया, एज इट इज़ किया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर आ जाए, वन का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, वन होगा, वन का स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर गुने नाइन, ये बराबर होगा नाइन, तो इनको लिखे नाइन, बॉक्स बना ले ताकि समझने में आसान हो, ये नाइन हुआ। दूसरे पार्ट में आए, नाइन का स्क्वायर गुने वन हुआ, नौ का स्क्वायर का मतलब इक्यासी, इक्यासी को वन से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा इक्यासी। ये चौथे पार्ट में आए आप, नाइन पे पावर तीन का मतलब नौ नमा इक्यासी, और इक्यासी नमा नौ इकाई नौ, आठ दूना बहत्तर, नौ अठे बहत्तर, ये हो जाएगा 729, ठीक हो गया। अब इसको क्या करना है आपको कि पहला और तीसरा को छोड़िए, इनको तीन से गुना कीजिए, ये दूसरा टेक्निक है, इनको तीन से गुना कीजिए, इनको तीन से गुना कीजिए, तो ये एज इट इज़ उतरेगा, तीन से गुना करेंगे तो कितना होगा 27, इनको तीन से गुना करेंगे तीन, आठ त्रिक 24, खेल वही आया और ये हो जाएगा आपको 729। कुछ नहीं कीजिए, फाइनल जोड़ दीजिए, इनका यूनिट डिजिट उतारिए 9, इस 72 को इसे 3 में जोड़िए, तो 72 और 3 कितना होगा 75 के 5, हाथ में रहा 7, और 7 में 24 को जोड़िए तो 31, और 31 और 7 कितना होगा 38, 38 के 8, हाथ में बचा 3, और 3 में 2 जोड़िएगा, इस ये 3 यहाँ आया तो ये 3 है 2 5, और 5 आया कितना होगा 6, जवाब आपके पास सेकेंड में थर्ड में भी 6859, यानी 6859 आपका जवाब आया। दुनिया के जिस कैलकुलेटर में मिलाना है उस कैलकुलेटर पे आप मिला लीजिए, ठीक है। यह देखिए ये नाइन है, ये आपको क्लियर नहीं नज़र आ रहा, ये नाइन है, ठीक। ये 68 दो मेथड बताया, दूसरा दो डिजिट का नंबर एक और देखिए, भागिए मत, इसके बाद भी अगर चाहिए वो भी बताएंगे, कम से कम हमारे पास 10 तरह का है जो दो डिजिट का, तीन डिजिट का, चार डिजिट का क्यूब निकालने का तरीका, भागिएगा मत। दूसरा सवाल देखिए, अब देखिए 32 का क्यूब निकालना है, इनका दहाई में तीन है और इकाई में दो है, दहाई में तीन का पावर तीन होगा यानी तीन का क्यूब करेंगे तो तीन थिया नौ थिया 27, ठीक। चार बॉक्स ड्रॉ करें आप, इनका इकाई अंक पे चले, दो पर पावर तीन, ये कितना होगा 8 था, हमेशा इनको दो डिजिट में रखें 08। अब क्या करें इनको कि तीन का स्क्वायर गुने दो और गुने तीन, पहले का स्क्वायर उनको मल्टीप्लाई दूसरे से उनके पावर से गुना, तो कितना होगा तीन दो ना तीन तिया नौ, नौ दुना 18, 18 तिया कितना होता है 54, नहीं आता है गुना तो कर लीजिए 8 तरीक 24, 3 दो 5, 18 तिया 54, ये सेकेंड वाले में डालेंगे, ठीक। उसके बाद अब इसको क्या करना है आपको, दूसरे स्टेप में प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगे, ये हो जाएगा दो का स्क्वायर गुने तीन और गुने तीन, दो का स्क्वायर का मतलब चार, चार तिया बारह, बारह तिया ये होगा 36, इनको 36 को यहाँ रख दें आप, ठीक। अब इसमें कुछ नहीं करें, हो गया, इनको आप जोड़ लें, इनका यूनिट डिजिट उतारे आप, ये कितना होगा 8, 0 इसमें जाकर जुटेगा, ये कितना होगा 6, 3 इसमें जुटेगा, इनका दहाई इनका यूनिट डिजिट जुटेगा तो 3 और 4 कितना होगा ये 7, ये 5 इसमें जाकर जुड़ेगा तो 7 5 12 के 2, हाथ में रहा 1, और 1 इसमें आकर जुटेगा तो ये कितना हुआ 3, यानी 32768, इनका क्यू होगा 32 का, जिस कैलकुलेटर पे मिलाना है मिला लीजिए, इससे आसान तरीका कोई नहीं है। इसका भी मेथड नंबर दो बताते हैं, भागना मत। देखो मेथड नंबर दो, देखो ये पहला है दहाई अंक तीन है, इकाई अंक दो है, उनका पावर है तीन यानी क्यू करना है, तो ये कितना होगा 3 का क्यू, उनको घटाते चले जाओ 3 का स्क्वायर, ये कितना होगा 3, इनका काम खत्म हो गया। अब इकाई पे आओ, एक डिजिट छोड़ो, यहाँ यहाँ दो है, इकाई में दो है, इनका पावर क्यू, अब इनमें इनके पावर स्क्वायर से और इनमें इसको मल्टीप्लाई कर दो,
हो गया, ये देखो 3 3 9 9 3 27, 3 का क्यूब का मतलब वही हुआ 27। ठीक, बॉक्स बना लो याद रखने के लिए। 3 पे पावर 2 है, 3 पे पावर 2 गुने 2, यानी कि 3 3 9, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये होगा 18। इनको लिख लो 18, इतना बड़ा बॉक्स खींचने की जरूरी नहीं है, 18 हो गया। अब यहाँ क्या है, 3 गुने 2 पर पावर 2, तो 2 2 4, 4 3 जो है हो जाएगा ये 12। चौथे बॉक्स में आओ, एक एक स्टेप बताते हैं वरना 3 से 4 सेकंड में बनेगा। 2 पर पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 8। और कुछ करने का है इसमें? ठीक, कर लिया। इन पहला को और इनको छोड़ो, 2 डिजिट का है तो 2 डिजिट बना लो, इनको 3 से गुना करो, मिडिल वाले दोनों को 3 से गुना करो, तो 18 3 कितना होगा ये 54, और 12 3 कितना होगा 36। इनको उतारो एज इट इज, ये हो गया 27। ठीक, अब इनको प्लस कर दो, इनका यूनिट डिजिट उतारो 8, इसका दहाई अंक इसके इकाई में जाएगा तो ये 6, इनका दहाई इनमें जाएगा ये कितना होगा 7, इनमें जाएगा 7 5 12 2 1, और 2 में 1 जुटेगा तो ये कितना होगा 3, यानी कि 32768। इससे पहले भी बताया था 32768, ये 32 का क्यूब होगा। इससे पहले भी एक पहले मेथड से बताया था, ये दूसरे मेथड से बताया हूँ, इसको देख लो जोड़ को, अगर गलत हो तो फिर हमारे कमेंट बॉक्स में डालो, मैं सुधार करूँगा, और गलत हो नहीं सकता है। सवाल नंबर 3 देखो, ये देखो सवाल नंबर 3 देखो, 71 का क्यूब निकालना है, कैसे निकालना है? पहला मेथड देखो, इनका दहाई अंक है, इनका क्यूब करो, तो 7 का क्यूब करोगे तो 7 7 49, और 49 7 कितना होगा 343। ये 3 4 बॉक्स बनाओ, टोटल 4 बॉक्स। अब राइट साइड में आओ, इनको क्यूब करो तो कितना होगा 1। हमेशा इनको 2 डिजिट में लिखो, 3 डिजिट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ 3 डिजिट आएगा आएगा, लेकिन कम से कम 2 डिजिट होना चाहिए। हो गया, दूसरा स्टेप, 7 का स्क्वायर करो, 1 करो, इन्हीं को हेर फेर करो, पहला का स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई करो, 49 होगा ये 49, और 49 में 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 27, 2 4 3 12, 2 14, 147 147। ठीक, अब तीसरा में आओ, तीसरा स्टेप में आओ, ये 1 का स्क्वायर करो, उनको 7 से मल्टीप्लाई करो, उनको 3 करो, ये होगा 21, यहाँ इसको डालो 21, कुछ नहीं करने का, इनको जोड़ दो, इनका यूनिट डिजिट उतारो कितना होगा 1, ये 0 इसमें जाकर जुटेगा तो ये कितना होगा 1, ये 2 इसमें जाकर जुटेगा ये कितना होगा 9, ये बच गया 14, 14 और 3 कितना होगा 17, 17 के 7 हाथ में कितना बचा 1, 17 के 7 हाथ में 1, अब कोई जोड़ने के लिए नहीं है तो 3 4 1 5, और यही 3 होगा, यानी कि 35 7 9 11, इनका आंसर होगा। जहाँ जाके क्यूब देखना चेक कर लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख, 357911, 357911, 71 का क्यूब होगा। दूसरा मेथड भी देख लो, भागना नहीं, ये देख लो दूसरा मेथड देख लो, यहाँ करना है दहाई में 7 है, इकाई में 1 है, 7 का क्यूब, 7 स्क्वायर, और यूनिट पे आ गया 7। अब क्या करना है, यहाँ इकाई में 1 है, इसके बाद 1 का क्यूब, इनको मल्टीप्लाई करना है कितना 1 के स्क्वायर से, हाँ 1 के स्क्वायर से, और इनको मल्टीप्लाई करना है 1 से, कुछ नहीं, 7 पर पावर 3, 7 7 49, और 49 7 ये कितना होगा 343। रखो ऐसे रखो, इन पे देखो 7 पे पावर 2, 49 49 को 1 से मल्टीप्लाई करो, ये 49 होगा, इतना लंबा लकीर खींचने की ज़रूरत नहीं है, छोटा खींचो, ये हुआ 49। इनके बाद इसमें आओ, ये 1 का स्क्वायर गुने 7, यानी कि ये 7 हुआ, यहाँ 7 रखो, चौथा कितना है 1 का क्यूब, इनको 0 1 करो, बाकी कुछ नहीं करो आप। ठीक हो गया, अब इसमें क्या करने का है कि इनको पहला को और लास्ट को छोड़ दो, इनको 3 से मल्टीप्लाई करो, इनको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 27 के 7 2 4 3 12 2 14 147, ये हो जाएगा 7 3 21, इनको एज इट उतारो, इनको एज इट इज़ उतारो, प्लस कर दो, ये 43 है, कुछ नहीं, इनका यूनिट डिजिट उतारो, इनमें इनको जोड़ो 1,
इनमें इनको जोड़ो तो कितना होगा 9, ये बच गया 14, 14 में 3 जोड़ो तो ये बच जाएगा हो जाएगा 17, 14 3 17, 17 के साथ हाथ में बचेगा 1, और 1 में 4 जोड़ दो, 34 में 1 जोड़ दो तो ये 35 होगा। वही जवाब आया 357,911। दोनों केस में यही जवाब है, कहीं से मिस्टेक नहीं है। 357,911 इक्काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000,00,000 यानी 357,911 इनका क्यूब होगा 71 का। किसी भी दो डिजिट का क्यूब इसी मेथड से सबसे आसान तरीका से निकाल सकते हो, वरना इसके बाद भी हमारे पास बहुत सा तरीका है, पगला जाओगे जान के कितनी बार जानोगे। एक मेथड और है हमारे पास कि 71 को लिख सकते हैं 70+1 का क्यूब, और ए प्लस बी के होल क्यूब पे तोड़ दो फिर भी इतना आ जाएगा, वो लंबा टाइम लेगा, ये शॉर्टकट में आपको होगा, इसलिए मैं शॉर्टकट मेथड बताया। चलिए थैंक यू वेरी मच, हमने आज आपको क्यूब अप टू डिजिट से नंबर बताया। अगर आपको पसंद आता है, वाकई आपके हृदय को अगर छूता है हमारा ये ट्रिक, ये टेक्निक, ये कंसेप्ट, ये लॉजिक, ये मेथड, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं 3 डिजिट का और 4 डिजिट का के कम्बिनेशन से बने हुए नंबर का क्यूब निकाल के आप तक वीडियो पहुंचाऊंगा। आप भाग के जाएंगे कहाँ, आसमान पे भी चले जाएंगे, शमशान में भी चले जाएंगे, तो हमारी मैथमेटिक्स आपका पीछा करेगा, वहाँ तक आपको मैथमेटिक्स का ज्ञान देंगे। चलते चलते मैथमेटिक्स छोड़ेगा नहीं, और मैथमेटिक्स का ज्ञान आपको लेना है। अगर मैथमेटिक्स आप जानते हैं तो दुनिया में महान है, मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं तो कुछ नहीं है, इसलिए कि मैथमेटिक्स ही जीवन है और जीवन ही मैथमेटिक्स है, कभी नहीं भूलेंगे। दुनिया में जितनी भी चीज़ है, चाहे ज़मीन पे हो, ज़मीन के ऊपर हो, ज़मीन के नीचे हो, कोई मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन के बगैर नहीं है, और हर का एक अपना मैथमेटिक्स है। ये अलग बात है कि आपकी सोच वहाँ तक नहीं पहुँची हो, ये अलग चीज़ है, लेकिन है मैथमेटिक्स बेस्ड। आप सांस लेते हैं वो भी मैथमेटिक्स है, सांस छोड़ते हैं वो भी मैथमेटिक्स है। चलिए क्यूब अप टू डिजिट्स नंबर हमने आपको बताया, अगर आपको पसंद आएगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखे। मैं 3 डिजिट और 4 डिजिट के कम्बिनेशन से बने हुए नंबर का भी एक नए ट्रिक, टेक्निक, कंसेप्ट, मेथड और लॉजिक से आप तक पहुंचाऊंगा। चलिए इस वीडियो को वॉच करें, जो भी कमीशन की तैयारी करते हैं, अभी तो NTPC का दुकान खुल गया, वो बिल्कुल चालू रहेगा फुल मार्च तक। अभी तो SSC के CGL का ऑनलाइन हो गया, अप्लाई करने का सब खबर आपको है, इसको देखिए और एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। चाहे स्कूल के विद्यार्थी हो, कॉलेज के विद्यार्थी हो, या किसी कमीशन के एग्जामिनिंग कैंडिडेट हो, इसको देखें और ज्ञान में वृद्धि करें, बढ़ोतरी करें, इंक्रीमेंट करें, अपग्रेड करें, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप। तमाम लोग अपने आप में बुद्धिजीवी हैं प्लस पंडित भी हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। इनको देखें और ज्ञान अर्जन करें। थैंक यू वेरी मच।